नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कर्नल तरुण वर्मा। मैं हेमाटोलॉजिस्ट हूँ यशोदा कैंसर इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में। आज एक बात करते हैं औरतों की समस्या की, औरतों में लो हीमोग्लोबिन होना, जिसको हम बोलते हैं अनीमिया। इसके लक्षण होते हैं कमज़ोरी, थकान, भूख ना लगना, काम पे फोकस ना कर पाना, बहुत सारे लक्षण होते हैं। इंडिया में जितने भी सर्वे हुए हैं, 15 से लेके 50 साल की उम्र के लोग, अगर मर्दों को ले लिया जाए तो उनमें करीबन 19% लोगों को अनीमिया होता है, 50% औरतों को लो हीमोग्लोबिन होता है। औरतें हमारा घर संभालती हैं, घर चलाती हैं, सबकी देखरेख करती हैं, बच्चों को खाना खिलाती हैं, फैमिली मेम्बर्स की देखरेख करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने को निग्लेक्ट करती हैं। या तो उनके डाइट में कुछ कमी है, हरी सब्जी, पालक, मेथी, ये सब कम खाना, मीट ना खाना, खासकर लाल मीट, या फिर कोई अन्य प्रॉब्लम, पीरियड्स गड़बड़ा जाना, पेट में कीड़े होना, इसके काफ़ी सारे कारण होते हैं। इसका इलाज करना और इसका डायग्नोसिस करना, इनमें से कोई भी मुश्किल बात नहीं है। बस रेगुलर हेल्थ चेकअप से सिंपल सा एक ब्लड टेस्ट होता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि शरीर में लोहे की कमी है, किसी विटामिन की कमी है, या कोई और कारण है अनीमिया होने का। औरतों को रेगुलर हेल्थ चेकअप और स्क्रीनिंग करानी चाहिए, अपने डाइट पे, ना कि दूसरों की डाइट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ट्रीटमेंट कारण के ऊपर डिपेंड करता है, कारण ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं होती। कई बार सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है आयरन की गोली, विटामिन की गोली, या फिर अगर कोई एक्सेसिव पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है तो वो उसको हम आराम से कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप हो और सही डॉक्टर के पास पहुंचा जाए टाइम से, ताकि ट्रीटमेंट हम शुरू कर सकें। एंड ट्रीटमेंट एक बार हो जाता है, अनीमिया करेक्ट हो जाता है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिस चीज़ को हम बोलते हैं काम में ध्यान लगा पाना, ज़िंदगी में आराम से रहना, ये सब चीज़ें बहुत इम्प्रूव कर जाती हैं।